आज तो जय श्री कृष्णा का ही चल रहा है। जय श्री कृष्णा। स्कूल सत्संग, स्कूल डीजे सुने होंगे, स्कूल पार्टी सुने होंगे, स्कूल एनुअल फंक्शन सुने होंगे। पहली बार मुझे लगता है कि स्कूल सत्संग आप सुने होंगे पहली बार। मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि स्कूल में सत्संग होना चाहिए। देखिए, स्कूल समाज का एक हिस्सा है और समाज ने स्कूल को अपने बच्चों को गढ़ने का दायित्व दिया और लेकिन समय के साथ धीरे धीरे स्कूल भी भूलते गया और पेरेंट्स भी भूलते गए। स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट का, टीचिंग का प्लेस बन गया और कुछ नहीं रहा। मैं बचपन में पढ़ा था बहुत साल पहले कि किसी एक बच्चे को बढ़ाने के लिए एक गांव की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। लेकिन आज के ज़माने में गांव तो छोड़ दीजिए, घर में माँ बाप तो छोड़ दीजिए, कहीं सिंगल मदर है, कहीं सिंगल फादर है, चाचा ताऊ कुछ रह गए हैं, 20-30 साल के बाद चाचा ढूंढना पड़ेगा कहीं किसी कोने में, ताऊ ढूंढना पड़ेगा, मामा ढूंढना पड़ेगा, मौसी ढूंढना पड़ेगा, ये सारे रिश्ते रहेंगे मुझे डाउट लगता है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे एक बच्चा होता है, दो होता है और उसमें भी पता नहीं कौन कहाँ रहता है, बच्चों के पास परवरिश के लिए सिर्फ एक ही रह जाते हैं, वो है गूगल, गुरु नहीं रहते हैं। इस समय स्कूल की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप सब इस चीज़ से लगभग मानेंगे कि आज के डेट में बच्चा माँ बाप के नहीं सुनता है, ताऊ चाचा बाबा दादी तो पास में है ही नहीं, मैक्सिमम केस में, और जो हैं जिनके पास है वो किस्मत वाले हैं। इस समय स्कूल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा जगह है जिसके बारे में बच्चा थोड़ा मानता है। आज से कुछ महीना पहले मेरा बेटा ब्रश किया और फिर दोबारा गया, फिर ब्रश किया, मतलब बेटा दो बार क्यों ब्रश कर रहा है, मतलब मैडम ने कहा दो बार ब्रश करने के लिए। मैंने कहा बेटा मैडम बोले होंगे सुबह एक बार और रात को एक बार। तो इतना बातें बच्चे स्कूल की मानते हैं, जब इतनी बातें स्कूल की मानते हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्कूल अब बच्चे को रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। क्या हम आज के ज़माने में जहां बच्चे धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म से दूर हो रहा है, मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है स्कूल के लिए कि हम बच्चों को वापस हमारे संस्कृति से जोड़ें? क्योंकि कोई स्कूल डिमांड, कोई पेरेंट्स डिमांड नहीं कर रहा है। और हमारा ये जो ज़माना है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई का ज़माना हो गया। बड़ा दुख के साथ मैं कहता हूँ, मुझे दुख होती कभी कभी आज के डेट में, क्योंकि कंज्यूमर का ज़माना है तो हम हर चीज़ खरीदते हैं, पैसा देते हैं, खरीदते हैं, और कहीं गलती से स्कूल भी उस लाइन पर खड़ा हो गया है। हम स्कूल को भी प्रोडक्ट की तरह डील करते हैं, दुकानदार की तरह डील करते हैं, बोलते हैं ये लो पैसा और मुझे पढ़ाई दो। पढ़ाई ऐसे नहीं मिलता, अगर ऐसा मिल जाता तो अर्जुन और हमारे देश में विवेकानंद ऐसे नहीं बनते। ये तो एक परिवार है। मैं कहीं बात कर रहा था, मैंने कहा स्कूल इज़ नथिंग बट अ एक्सटेंडेड फैमिली, सिर्फ अपने परिवार का ही हिस्सा है। अगर ये हम सब मान लिए, हर आदमी पीटीएम की बात करता है, इससे बढ़िया पीटीएम क्या हो सकता है, जब पेरेंट्स हैं, टीचर है, स्टूडेंट है और सब मिलकर सत्संग कर रहे हैं, इससे बेहतरीन पीटीएम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और पूरा दुनिया को जो अंग्रेज हमें बता के गए थे कि पीटीएम करना है तो पेरेंट्स आएगा और पेरेंट टीचर से लड़ाई करेगा, आधा हमारे बच्चे का क्यों कम हो गया, और फिर बच्चा उसमें कूदेगा। ऐसा पीटीएम होना चाहिए जहाँ सब मिल के सत्संग करें, बच्चा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बच्चे को सही विकास देना हमारी जिम्मेदारी है और स्कूल इसमें काम करे। मुझे बड़ा प्रसन्न हो रहा है आज कि आज इतने संख्या में पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं और मैं लगभग जितनों से मिला सबने इस चीज़ को सराहा। बहुत पेरेंट्स नहीं आ पाए क्योंकि लगता है सत्संग कौन जाएगा, बड़ा बोरिंग काम है यार, लगता है। लेकिन जब आपका बच्चा सत्संग से जुड़ जाएगा ना, आपका घर का माहौल ही बदल जाएगा। आप कभी संडे आइए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप संडे यहाँ पे आइए, 5 बजे 6:30 बैठिए, हम बच्चों को पूछते हैं बेटा खाना तुमने फेंका? नहीं सर, हम खाना नहीं फेंकते हैं, खाना फेंकना गलत बात है।
जब रूम से निकलते हो लाइट बंद करते हो? हाँ सर हम लाइट बंद करते हैं। मैं पूछता हूँ बेटा, मैगी तो खाते हो, मोबाइल तो चलाते हो, कभी टॉयलेट साफ किया है? बोले ये क्या बात है आप हो सर, मुझे टॉयलेट की क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ सर आपके बच्चे को मर्सिडीज में घुमाइए, बढ़िया से बढ़िया दुबई घुमा के लाइए, लेकिन एक बार संडे में उसके हाथ में ना टॉयलेट का ब्रश भी दीजिए, आप देखेंगे कितना बड़ा शालीनता उसके अंदर आएगा, जो आप ऑक्सफोर्ड में नहीं सिखा सकते वो उस टॉयलेट का क्लीनर करते वो सीख जाएगा। ये शालीनता हमें सिखाने की ज़रूरत है और स्कूल को इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इसी विनती के आज मेरा स्पीच का डे नहीं है, मैं सिर्फ अपने दिल की बात अपने परिवार के सामने कर रहा हूँ। अब सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नितिन भैया का। लग ही नहीं रहा है कि कोई सेलिब्रिटी सिंगर जिनके करोड़ों फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं वो हमारे बीच इतने शालीनता के साथ एकदम कॉमन मैन की तरह हमारे साथ यही सत्संग सिखाता है और इसी को आगे लेना है। ऐसे आप लोग का मुझे भरपूर सहयोग चाहिए, तो बच्चों को ऐसे ही हम आगे लेंगे और सही दिशा में लेके जाएंगे, क्योंकि सही दिशा देना हम सबका काम है और इस काम को हमें भली भांति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां समले, नमस्कार।